हे एफसी गोवा फैंस, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। टुडे बात करने जा रहे हैं एफसी गोवा की टीम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। उससे पहले अगर आपको हमारे बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आए तो प्लीज़ अवॉइड कर दें, हमारी न्यूज़ पर ध्यान दें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले गोलकीपर से। पहले आपको गोलकीपर्स दिखा देते हैं, ये रहे आपकी स्क्रीन पर गोलकीपर्स। तो गोलकीपर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे धीरज सिंह एंड अर्शदीप सिंह एंड थोड़े बहुत यंग गोलकीपर्स। एंड आपको बता दें कि यही दो मेन गोलकीपर्स हैं एफसी गोवा के पास जो कि लीड करेंगे एफसी गोवा को। अगर धीरज सिंह थोड़ा बेकार करते हैं, ख़राब खेलते हैं, तो अर्शदीप को मौका मिलेगा। एंड अर्शदीप थोड़ा ख़राब या बेकार खेलते हैं तो धीरज सिंह को मौका मिलेगा। एंड यही दो चॉइस हैं इनके पास। पिछले साल नवीन कुमार इनके पास थे लेकिन इस साल रिलीज़ कर दिए गए हैं। एंड यही दो गोलकीपर हैं। एंड मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट दिखाना चाहूँगा अर्शदीप सिंह पर, क्योंकि बहुत ही सॉलिड गोलकीपिंग है उनकी। एंड थोड़ी बहुत अच्छी उनको ट्रेनिंग मिले गोलकीपिंग कोच से तो वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होकर सॉलिड गोलकीपर बन सकते हैं एफसी गोवा के लिए। एंड मैं कहना चाहूँगा, ना ही वीक कहना चाहूँगा ना ही स्ट्रेंथ कहना चाहूँगा, मिडिल कहना चाहूँगा इनकी गोलकीपिंग को, क्योंकि उतनी भी बेहतरीन गोलकीपिंग मुझे दिख नहीं रही इनकी। एंड एफसी गोवा के फैंस को भी पता है कि गोलकीपिंग उतनी मजबूत है नहीं। एंड बात कर लेते हैं इनके डिफेंडर्स की। डिफेंडिंग में आपको मैं दिखा देता हूं पहले डिफेंडर्स, ये रहे इनके डिफेंडर्स। एंड बात कर लेते हैं इनके डिफेंडिंग में। डिफेंडिंग में आपको काफ़ी सारे लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। पहले फॉरेनर्स की बात कर लेते हैं, फेरिस आर्नोट एंड मार्क वेलेंटे एंड आइबा डोलिंग, अनवर अली, मोहम्मद अली और मनुसन फर्नांडिस, लेस्ली रोबेलो, रीने मनीस एंड सेवियर गामा, सेंसन परेरा एंड सरिटन फर्नांडिस, जैसे कई बेहतरीन खिलाड़ी आपको इनके डिफेंस में मिल जाएंगे। एंड डिफेंस पे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, एकदम स्ट्रेंथ एंड फुल एनर्जेटिक इनका डिफेंस है। बस फॉरेन प्लेयर्स इस सीज़न इनके अच्छे खेल जाएं डिफेंस में तो इनके डिफेंस को भाई तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने मार्क वेलेंटे एंड फेरिस आर्नोट दोनों को देखा, काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग करते हैं। मैंने इनके प्रीवियस टैक्टिक्स देखे, इनके एनालिसिस किए तो मुझे देखने को मिला कि काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग है इन दोनों प्लेयर में। अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो एफसी गोवा का डिफेंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एफसी गोवा का डिफेंस खेल सकता है। एंड मैं इनके डिफेंस को पूरे पूरे नंबर देना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा डिफेंस है एंड काफ़ी अच्छा कर सकते हैं जी। एंड बात कर लेते हैं इनकी मिडफील्ड की। मिडफील्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे दी मास्टर ब्लास्टर्स। कैसे, ये पहले आपको स्क्रीन पर देख लीजिए, ये रहे मिडफील्डर्स इनके। तो आपको मिडफील्ड में सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएंगे इनके कैप्टन एडुबेडिया। एंड आपको बता दें एडुबेडिया के साथ में ब्रेंडन फर्नांडिस जैसे एंड ग्लेन मार्टिन एंड बता देने ब्रेंडन फर्नांडिस एंड प्रिंस्टन रोबेलो जैसे अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले सेंटर मिडफील्डर आपको मिल जाएंगे। एंड इनकी मुझे आपसे कुछ बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं एडुबेडिया काफ़ी बेहतरीन सेंटर मिडफील्डर हैं एंड अटैक में भी जाके फॉरवर्ड की भी भूमिका निभा सकते हैं एडुबेडिया। एंड आपको ब्रेंडन फर्नांडिस के बारे में तो काफ़ी अच्छी तरीके से पता है, ब्रेंडन फर्नांडिस एकदम टॉप क्लास अटैकिंग मिडफील्डर हैं एंड कॉर्नर भी वही लेते हैं ज़्यादातर, कई बार पोजीशन में हमको देखने के लिए मिलते हैं एडुबेडिया। एंड दोनों की बात कर ली जाए और सारे प्लेयर्स की बात कर ली जाए तो मुझे सेंटर मिडफील्ड में भी कोई भी कमी नहीं दिख रही, क्योंकि मैं डिफेंडिंग में एक बार के लिए इनकी वीकनेस बता सकता हूँ कि कुछ वीकनेसेस हैं, लेकिन सेंटर मिडफील्ड की तो कोई बात ही नहीं भाई, बहुत ही बेहतरीन इनका सेंटर मिडफील्ड है। एंड फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं, फॉरवर्ड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे काफ़ी बेहतरीन प्लेयर्स जैसे कि हमारे लेजेंडरी अल्वारो वेस्किस। अल्वारो वेस्किस के साथ में आपको आइकर दिख जाएंगे, रिडीम टेलंग दिख जाएंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपको फॉरवर्ड में देखने के लिए मिल जाएंगे। और मैं फॉरवर्ड की इनके पूरे नंबर्स देना चाहूँगा, क्योंकि फॉरवर्ड में कोई भी कमी मुझे नहीं दिख रही, फॉरवर्ड एकदम डेवलप्ड हाई क्वालिटी फॉरवर्ड है इनका। एंड अगर
इंजरी की बात करूं तो अल्वारो इंजरी लेस है भाई, क्योंकि वो इंजरी जैसे काम ही कुछ नहीं करते कि इंजरी हो उन्हें। और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आपने देखा होगा प्रीवियस सीजन में, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड को एंड अटैकिंग मिडफील्ड को कैसे अच्छे तरीके से संभाला है। एंड आप खुद ही जानते हैं, मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं। एंड अच्छा किया एफसी गोवा ने, एक काम अच्छा किया कि अल्वारो बेस्कोस को लेकर आए। एंड फ्रेंड्स मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि एफसी गोवा की पूरी टीम काफ़ी अच्छी दिख रही है मुझे, बस इनके हेड कोच कार्लोस पेनिया, जिनके पास उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है हेड कोचिंग का, लेकिन अच्छी तरीके से उन्होंने इस क्लब को मैनेज किया है फिर से जुआन फर्नांडो के जाने के बाद। एंड मैं चाहता हूँ कि एफसी गोवा काफ़ी अच्छा करेगी इस सीज़न, और डेफिनेटली करेगी, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर, इतने क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं। और एफसी गोवा की भाई साहब प्रीवियस टीम, जो कि यूथ टीम, जो कि ड्यूरेंट कप खेल रही है, देखिए आप, उन्होंने बेंगलुरु एफसी के साथ में 2-2 यानी मेन टीम से यूथ टीम ने बराबरी कर ली, वही चीज़ आप देखिए। एंड आप सोचिए, जब मेन टीम पिच पर उतरेगी, ग्राउंड पर उतरेगी, तो क्या धमाल मचाएगी। तो अगर आपको मेरी ये बात पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।